स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द एक्सरसाइज 1.3 ऑफ सेट्स। इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1 सेट का एक्सरसाइज 1.1 पढ़े, एक्सरसाइज 1.2 पढ़े, आज एक्सरसाइज 1.3 जो सेट्स के पढ़ने हैं इसमें एक्चुअली हम लोगों को सबसेट का सिंबल जो होता है सबसेट के बारे में जानना है। जिस सबसेट पढ़ाया गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, पावर सेट का क्वेश्चन होगा और इंटरवल का क्वेश्चन होगा। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द एक्सरसाइज 1.3। दिस क्वेश्चन है सेवेंथ पार्ट 1-7, उसमें से दो क्वेश्चन लिया जा रहा है क्योंकि वो बड़ी इजी, हर क्वेश्चन में हमको ये सबसेट का सिंबल लगाना है और सबसेट ना हो तो ये सिंबल लगाना है सबसेट नहीं होने पर। और सबसेट का डिफिनीशन यही है कि अगर एक सेट हमारा सेट ए है और सेट बी दिया हुआ है और सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हो तो ए बी का सबसेट होता है, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में ना हो तो ए बी का सबसेट नहीं होता है। उसी कॉन्सेप्ट को इन दोनों में यूटिलाइज करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट वाई फिलिंग इन द सिंबल, दिस सिंबल आर दिस सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट एंड दिस इज सिंबल ऑफ नॉट ए सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस, जो खाली जगह बने हैं उसमें इसको या इसको भर करके इस जो क्वेश्चन है उसका स्टेटमेंट क्लियर करना, मतलब वो करेक्ट हो जाए उसको यूज करने पर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक सेट दिया हुआ है और इस सेट के दो एलिमेंट है 2, 3, 4, और दूसरा सेट इधर दिया है इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। तो हमको ये चेक करना है इस बीच में ये यूज करेंगे सबसेट यूज करेंगे कि नॉट सबसेट यूज करेंगे। तो हमको चेक करना है कि इसके जो जो एलिमेंट तीनों एलिमेंट अगर हैं यहाँ पे वो सब इसमें अगर हैं तो हम इसका यूज करेंगे, नहीं है तो हम नॉट ए सबसेट का यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2, 3, 4 है और इसमें भी 2, 3, 4 है, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट सेट में हैं। सो वी विल यूज हियर दिस सिंबल, और इस सिंबल को आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस ब्लैंक्स के जगह पर सबसेट का सिंबल होगा इस खाली जगह। दूसरा क्वेश्चन आपका उसका है, इसको देखना है, इसमें भी इन दोनों के बीच में जो गैप है इन दोनों में से कोई चीज़ यूज करना है। आप देख रहे हैं इसके एलिमेंट से ए बी सी और इसके एलिमेंट बी सी डी से शुरू हुए, आगे इसके आगे ऑर्डर बढ़ते जाएंगे, लेकिन इससे बी और सी तो इसमें है, ए ए एलिमेंट ए इसका इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट हमारा इस सेट का सबसेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसमें हम सबसेट का सिंबल बना करके और इसको कट कर देंगे, मतलब इस ब्लैंक्स में आपका क्या होना चाहिए, नॉट द सबसेट ऑफ दिस होना चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें 1-7 पार्ट हैं, इसमें से फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने किया, बाकी आप लोग इसी सेंस पे सबसेट है तो ये यूज़ कीजिए, सबसेट नहीं है तो ये यूज़ कीजिए। आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज हियर एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। इसमें भी इस क्वेश्चन में भी हमारा 1-6 पार्ट हैं, देर आर 6 पार्ट इन दिस क्वेश्चन, और जो वर्क इस क्वेश्चन नंबर 2 में करना वही क्वेश्चन वर्क सेम वर्क क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन 3 इज सेम एज क्वेश्चन 2, मतलब उसमें भी ट्रू और फॉल्स करना है क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 3 में। तो 2 के मैक्सिमम पार्ट्स को हम ले लिए हैं, एक क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए छोड़े हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 है कि नहीं है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो सेट बनाए गए हैं, एक सेट ये, इसमें एलिमेंट है ए और बी, और इसमें देख रहे हैं कि ए और बी इसमें है, तो इसका मतलब इसके एलिमेंट्स इसमें है तो ये क्या होना चाहिए, ये इसका सबसेट होना चाहिए और सिंबल हमारा ये यूज होना चाहिए, लेकिन सिंबल यूज हुआ नॉट वाला, इसलिए इसको हम फॉल्स कहेंगे। क्या हो गया ये, इसे ब्रैकेट में लिख देंगे फॉल्स, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ए स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ऐसे ही सिमिलरली इसको देखेंगे, यहाँ पे सेकंड वन कहा गया, यहाँ पे फर्स्ट हमारा सेट है जिसके एलिमेंट ए और ये हैं
और इसमें लिखा गया इस सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट्स के वावेल्स ए ई आई ओ यू होता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ए और ई इस सेट में ए ई बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ये सेट के सारे एलिमेंट्स में है और यहाँ सबसेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। यहाँ होना चाहिए सबसेट, तो ये नॉट कर दिया और ये ट्रू है तो ट्रू लिखा जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि 1 2 3, यहाँ भी 1 3 5 है, आप 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ, मतलब इसका जो एलिमेंट्स है 2 इसमें नहीं है और इसको सबसेट कर रहा है, इसलिए ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है। फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स एलिमेंट्स सेकंड सेट में नहीं है। ऐसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ए है और यहाँ पे आपका ए बी सी है, तो इस सेट का ए इसमें बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसका सबसेट है, तो ये आपका ट्रू हो गया, ए स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ऐसे यहाँ पे देख लें, यहाँ पे दिया है एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट ए है और यहाँ पे एक सेट है जिसका एलिमेंट ए बी सी है और यहाँ पे ये इसका मतलब ये इसका सबसेट है और यहाँ लिख रहा है एलिमेंट है, लिखना दिस इज नॉट एलिमेंट, अब ये सबसेट है इसका, एलिमेंट रहने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, इसलिए ये ऐसा लिखना एलिमेंट ना कहकर इसको सबसेट कहना चाहिए था, इसलिए भी क्या है फॉल्स। तो इस तरह से हम जो सेंस है से सबसेट और नॉट ए सबसेट का सेंस रहना चाहिए, एलिमेंट है एलिमेंट नहीं का सेंस होना चाहिए, तो ये दोनों क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस क्वेश्चन में भी 4 पार्ट है, देयर आर 4 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन 1 to 4, इसमें से 2 पार्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है एक सेट हमारा जिसका एलिमेंट ए है, तो इसके सबसेट्स लिखने हैं, तो सबसेट लिखने के लिए कोई भी सेट होता है ऑल सबसेट जिसका लिखना ऑल सबसेट्स, कोई भी सबसेट लिखना हो, किसी भी सेट का सबसेट लिखना हो, तो सबसेट के लिए यह होता है कि पहले तो फाई हमारा किसी भी सेट का सबसेट होता है और दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया कि ऑल सबसेट्स में दूसरा कॉन्सेप्ट होगा खुद वो सेट भी हमारा सबसेट होता है, तो इस सेट को भी लिख देंगे, तो मतलब इसके जो भी सबसेट है 2 सबसेट्स हो सकते हैं, फाई और सेट ए हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 और इसके सारे सबसेट्स लिखने हैं, तो पहला इसका सबसेट हो जाएगा आंसर ऑल सबसेट्स इसके हो जाएंगे, ये ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट्स में पहला हो जाएगा 5, सेकंड सबसेट हो जाएगा 1, उसके बाद 2, एक एक एलिमेंट को लेकर के ऐसे सेट बनाएंगे, फिर इसके बाद 2 एलिमेंट को 1 2, फिर इसके बाद 2 3, इसके बाद 3 1 1 3 और आफ्टर दैट ये सारे एलिमेंट को लेकर के सेट बनाएंगे, तो इसमें ये जो 3 एलिमेंट्स वाले सेट के जितने सबसेट्स हो जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स हो जा रहे हैं, और ये आपका बस 2 क्वेश्चन हमने किया, 2 क्वेश्चन इसी तरह से आप अपना जो बच रहा है उसको करेंगे सेट और सबसेट्स, उसके सारे सबसेट्स लिखने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5, अगर सेट ए 5 के इक्वल दिया हुआ है, इसका मतलब सेट ए यूपर्टी सेट है, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन है सेट ए इज इक्वल टू 5 और 5 को हम ऐसे लिखते हैं जैसे कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं, 5 मीन्स यूपर्टी सेट नॉट सेट। अब इसके सबसेट्स लिखने आए तो इसमें कोई जैसे किसी भी सेट के सबसेट जो होते हैं तो केवल हमारा एक 5 होगा, सबसेट बनेगा ना कि सबसेट्स हो जाएगा, केवल 5 होगा, और चूंकि ये सब सारे सेट का सबसेट होता है, जितने भी सबसेट हैं उनका सेट बनाया जाए तो पावर सेट ऑफ ए होता है, तो पावर सेट ऑफ ए इसका ए 5 हो जाएगा, इसमें 1 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए क्या हो जाएगा,
वन हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर फाइव आपका कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमको क्लोज सेट और ओपन सेट का जो कॉन्सेप्ट था वो यूटिलाइज करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, जो इसमें भी आपके 1, 2, 4 क्वेश्चन है और इसमें से दो क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, दो आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल उसको इंटरवल लिखना है। तो इंटरवल क्या है, ये हमारा क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड दिस एक्स इज लेस देन -4, सॉरी दिस लेस एक्स इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6, इसका हमको एक इंटरवल लिखना है। तो ऐसे इंटरवल में ये है कि एक्स की वैल्यू -4 को छोड़ करके बाकी उसके -3, -2 सब उसमें आएगा, -4 उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जिधर ये वैल्यू नहीं इन्वॉल्व हो रही है उधर से ओपन इंटरवल बनता है और इक्वल टू 6 तक लेना है तो इधर क्लोज इंटरवल बनेगा। तो यहाँ पे इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, इंटरवल इसका हो जाएगा इस 4 की तरफ से ओपन इंटरवल बनाएंगे, मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे, -4 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और इधर से 6 करके क्लोज इंटरवल बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे। मतलब इसका मतलब यही होता है कि इधर से हम 6 को लेंगे और इसके आगे आएंगे और इधर -4 को छोड़ करके इंटरवल बनाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक सेट दिया है x such that x belonging to R, x is greater than or equal to 3 and लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब इस बार x 3 को भी लिए हुए और 4 को भी ले रहा है, मतलब 3 और 4 उसमें इंक्लूड है, तो ये दोनों साइड से क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ का इंटरवल हमारा हो जाएगा, इसका इंटरवल दोनों साइड से क्लोज बनेगा 3, 4, ये आपका इंटरवल हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन है, जो दो पार्ट इसमें बचा हुआ उसको आप लोग करिएगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, जिस तरह से हम लोगों को ये सेट दिया था और उसका इंटरवल हम लोग इस फॉर्म में लिखे थे ओपन या क्लोज के फॉर्म में, इस क्वेश्चन में ये इंटरवल दिया उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें 4 पार्ट है, 1, 2, 3, 4, उसमें से 3 पार्ट्स को हमने चूज किया, एक आपके लिए छोड़ दिया उसको आप लोग लिखेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में जो हमारा इंटरवल दिया है दोनों साइड में स्मॉल ब्रैकेट लगाने का ना मतलब ये है कि दोनों साइड से ये ओपन है, इसमें ये दोनों साइड से क्लोज है और इसमें बड़ा ब्रैकेट इधर दिया है, इधर से क्लोज है और इधर से ओपन रहता है, जिधर से ओपन रहता है उधर केवल लेस देन लगाया जाता है और जिधर से क्लोज रहता है उधर लेस देन और इक्वल टू का भी सिंबल यूज किया जाता है। तो ये आपका इसके लिए जो इंटरवल होगा, इंटरवल इसका ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा, इट्स सेट बिल्डर फॉर्म, यहां से लिखेंगे x such that x belongs to R and x belongs to R and x, देखिए ये दोनों नंबर हमारे -3, 0 लिखे जाएंगे, बीच में x लिखा जाएगा, लेकिन ये दोनों तरफ से ओपन है तो सिर्फ यहाँ पे दोनों के बीच में लेस देन का सिंबल यूज होगा। x such that x belongs to R एंड x इज ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, ये चूंकि दोनों साइड से ओपन है तो ना 3 -3 को कंसिडर करना है ना 0 को कंसिडर करना है, इसका भी क्या होगा, इट्स सेट बिल्डर फॉर्म, इट्स सेट बिल्डर फॉर्म, इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए curly bracket x such that x belongs to R and R where, जो भी लिख सकते हैं, this 6 and 12 is your interval and this interval is your close from both sides
तो यहाँ पे एक्स इन दोनों के बीच में राइट करेंगे, सिक्स और ट्वेल्व के बीच में एक्स राइट करेंगे, लेकिन लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगाया जाएगा। क्लोज होने के नाते सिक्स और ट्वेल्व को भी कंसिडर किया जाता है, ये आपका ऐसे ही यहाँ पे इसका सेट बिल्डर फॉर्म इसमें भी x such that x belongs to R where those दोनों numbers minus 23, 5 इसके बीच में x होना चाहिए। यहाँ से ये क्लोज है इसलिए यहाँ से लेस देन आर इक्वल टू होगा, और यहाँ ओपन है इसलिए यहाँ पे लेस होगा, और ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, उसको देख करके आप कर लीजिएगा। इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में जो थी था उसका इंटरवल लिखे, और इसमें जो इंटरवल दिया उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रॉपर वुड यू और प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दो सेट दिया है, दोनों सेट के लिए हम यूनिवर्सल सेट के रूप में किस यूनिवर्सल सेट को प्रपोज करेंगे। तो द यूनिवर्सल से पहला सेट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल्स की सेट्स ले लिया जाए, द सेट ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल, ये जो भी ट्रायंगल हैं सबके सब एक प्लेन में बनने वाले ट्रायंगल्स हैं, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलिस हो, चाहे इक्विलेटरल हो या स्केलन हो, तो ये सबके सब एक यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल हैं उसी के सबसेट्स हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ये जो हमारे दोनों सेट हैं द यूनिवर्सल सेट फॉर टू गिवन सेट्स, द यूनिवर्सल सेट फॉर टू गिवन सेट्स ये हो जाएगा यू, और इसको हम लिखेंगे एक्स इज सेट ऑफ सेट्स ऑफ ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल है उसका सेट बनाया जाए, उसी में से एक से सबसेट हो सकता है, उसी का सबसेट ये हो सकता है, यूनिवर्सल सेट इस केस में हम लोग ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये दे रहा है कि गिवन दैट सेट ए हैव एलिमेंट 1, 3, 5, बी का एलिमेंट 2, 4, 6 और सी का एलिमेंट 0, 2, 4, 6, 8 है, तो इस ए और बी सी तीनों का यूनिवर्सल सेट इसमें से कौन वाला होगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें इस सेट को लिया जाए तो इस सेट में आपका सेट ए के 1, 3, 5 इसमें है, 1, 3, 5 इसमें है, बी का 2, 4, 6 भी है, 2, 4, 6 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, सी का 0, 2, 4, 6 तो हो जाएगा लेकिन ये 8 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो है यूनिवर्सल सेट इन तीनों पर नहीं सकता है, हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, ये यूनिवर्सल सेट तीनों सेट का होगा, मतलब ये तीनों सेट इसके सबसेट्स होंगे। तो इसलिए हमारा ट्रिक ये होगा कि इस ए बी सी तीनों का यूनिवर्सल सेट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में जो सेट दिया गया वो होगा, और ये इस पे आप ट्रिक कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.3 हमारी तरफ से फाइनल किया गया, जो क्वेश्चन बचे हुए उसको सॉल्व करेंगे और काम को कंप्लीट करेंगे दोनों।